नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th की केमिस्ट्री का एक टॉपिक, पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ सके और आप उस कंसेप्ट को अपने कोई भी क्वेश्चन हो उसमें यूज भी कर सकते हो। तो आज हमारा जो लेक्चर है पीरियोडिक टेबल का, वो फर्स्ट लेक्चर है। आज का हमारा लेक्चर है पहला, और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पूरा बेसिक पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल की, जो इतिहास है पीरियोडिक टेबल का उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको दबा दो और घंटी का निशान भी दबा दो ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो इस प्रीमियर से भी जुड़ जाइए सभी, और हम शुरू कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो सबसे पहले देखो, आवर्त सारणी, हिंदी में इसको आवर्त सारणी बोलते हैं। तो मैं लिख रहा हूं आवर्त सारणी, ये है आपका चैप्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी का इतिहास, ठीक है ना, इतिहास क्या है। तो सबसे पहले आवर्त सारणी है क्या, आवर्त सारणी यानी कि जो केमिस्ट्री के अंदर जितने भी तत्व हैं, हम जो तत्व पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नियॉन, जो भी तत्व हैं उन सबको एक व्यवस्थित रूप में जमाना, उनको एक व्यवस्थित रूप प्रदान करना, क्रमबद्ध तरीके से उनको एक फिक्स जगह प्रदान करना, ही क्या है आवर्त सारणी है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, आवर्त सारणी। तो सबसे पहले इन तत्वों का बारे में, जो इनको तत्वों को क्रमबद्ध करने का काम किया वो थे एक वैज्ञानिक, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ वो वैज्ञानिक कौन थे, डोबेनहाइनर ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपना एक नियम दिया जिसको हम बोलते हैं त्रिक नियम। इन्होंने एक अपना नियम दिया जिसको हम साफ भाषा में त्रिक नियम बोल रहे हैं, ठीक है, डोबेनहाइनर का त्रिक नियम। इनका नियम क्या था, डोबेनहाइनर का त्रिक नियम। तो इन्होंने अपने नियम में क्या बताया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये इन्होंने जो नियम दिया था वो दिया था 1817 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ से आवर्त सारणी की शुरुआत हो चुकी थी 1817 से। तो इन्होंने क्या किया कि जो आवर्त सारणी थी उसमें जो तत्व थे उनको एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने का कार्य किया। इन्होंने क्या किया कि तीन तीन तत्वों के जोड़े बनाए, जैसे कि मैं मान लूँ जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इस प्रकार इन्होंने तीन तत्वों के जोड़े बनाए, ठीक है, ऐसे 6-7 जोड़े बनाए थे इन्होंने। तो इस प्रकार इन्होंने तीन तीन तत्वों के जोड़े बनाए, और इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट तत्व का परमाणु भार, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ भार यानी कि परमाणु भार, ठीक है, और जो लास्ट तत्व है उसका परमाणु भार, दोनों का परमाणु भार को जोड़कर उसका इन यानी कि इन दोनों का जोड़कर इन दो का जब हम भाग देंगे तो जो हमारे पास सोडियम का परमाणु भार आएगा। इसका मतलब इन दोनों परमाणु भार का औसत क्या है, बीच वाले एटम का परमाणु भार होगा इसका और इसका, इन दोनों के परमाणु भार का औसत ही क्या होगा, सोडियम का परमाणु भार होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको बता दूं तो इसका सूत्र ये हो जाएगा कि लिथियम का परमाणु भार प्लस क्या हो जाएगा, पोटेशियम का परमाणु भार बट्टा जब मैं दो करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सोडियम का परमाणु भार। यहाँ मैं लिखूंगा सोडियम का परमाणु भार। तो ये है दोस्तों किसका नियम, डोबेनहाइनर का त्रिक नियम, 1817 ईस्वी में दिया। और आपको याद रखना है कि फर्स्ट और लास्ट तीन तीन तत्वों के जोड़े बने, तो फर्स्ट और लास्ट के परमाणु भार है उनको जोड़ा फिर दो का भाग दिया तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार आ गया। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट के परमाणु भारों का औसत क्या होता है, बीच वाले का परमाणु भार। तो इन्होंने इस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित किया। वही देखो, तीन तीन तत्व तो व्यवस्थित हुए कि हाँ भाई ये तीन तो लगातार आएंगे, फिर इसके दोनों का परमाणु भार का औसत बीच वाला होगा। अब आपको बताओ कैसे, देखो लिथियम है, हम क्या करते हैं कि इनको जोड़ के देखते हैं कि इनका ये वाला सूत्र काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले लिथियम है, परमाणु भार 7 होता है और इसका परमाणु भार 39 होता है। तो अब देखो इन दोनों को जोड़कर इसका औसत लेते हैं, तो 7 + 39 बट्टा 2 करो तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 7 होता तो 46, नहीं तो ये 46 होगा, 46 बट्टा 2 कितना आ जाएगा, 23।
तो हमें पता है दोस्तों सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो इसका परमाणु भार 23 तो होता है, हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब इस सूत्र से सही निकल रहा है बीच वाले तत्व का परमाणु भार। इसका मतलब जो डोबेनहाइलर का त्रिक नियम था वो बहुत अच्छा था, अच्छा काम कर रहा था। तीन तीन तत्वों के इसने जोड़े बनाए और इस वाले सूत्र से इस प्रकार इसने निकाल कर तत्वों को क्रमबद्ध किया। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि इसका नियम चला क्यों नहीं, इसका नियम फेल क्यों हो गया। तो दोस्तों इसका फेल नियम इसलिए हुआ कि जो इसने जो तीन तीन के त्रिक नियम बनाए थे वो कुछ ही तत्वों पर लागू हुआ, सब पर ऐसा लागू भी नहीं हुआ। और जिस जिस पर लागू हुआ वो तो ठीक थे, अच्छे थे उसने किए। तो इसने कुल मिला के 5-6 ऐसे त्रिक बनाए थे, ऐसे जुड़े बनाए थे 5-6। अब सारे मेरे को याद नहीं है तो मैंने एक उदाहरण लिख रहा आपको समझाया। इस प्रकार इसने 6 बनाए, लेकिन तत्व तो बहुत सारे थे लेकिन सबके बारे में ये व्याख्या नहीं कर पाया। तो अब इसने कुछ हिंट दिया लोगों को, हाँ भाई इस प्रकार से हो रहा है। तो अब आगे एक और बंदा आया, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबको डोबेनहाइलर के त्रिक नियम में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उसको वापस आपको सही कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो डोबेनहाइलर का त्रिक नियम आई थिंक आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं, फर्स्ट का परमाणु भार, सेकंड का परमाणु भार रट्टा दो करो, बीच वाले का परमाणु भार। अगर और भी उदाहरण आप देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में और बता दूंगा। तो आज की वीडियो में हमने डोबेनहाइलर का त्रिक नियम पढ़ा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो ये आप नोट कर लो फटाक से। तो दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो कि अपना सेकेंड नियम है न्यूलैंड, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, न्यूलैंड है, इसने अपना दिया अष्टक नियम। अलेक्जेंडर न्यूलैंड है पूरा नाम, इसने अपना दिया अष्टक नियम। और इसने अपना नियम जो दिया था वो दिया था आई थिंक 1865 ईस्वी में, ठीक है, 1865 ईस्वी में इसने अपना नियम दिया। अगर यहाँ पर 65 की जगह कोई चेंज हो तो भी आप थोड़ा देख लेना, आई थिंक 65 ही है। न्यूलैंड का अष्टक नियम 1865 में दिया गया। इस नियम के अनुसार इसने तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया, इसने क्या बोला कि जिस प्रकार हम संगीत में पढ़ते हैं सारे गामा पौधा नीसा, उसी प्रकार इसने बोला कि भाई जो तत्व होते हैं जिस प्रकार हम गीत में सा रे ग मा प द नी, अब वापिस देखो क्या आ गया सा, इसके नीचे आया कि नहीं आया, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक 7 तत्व हुए। इसका मतलब 7 के बाद वापिस सा आ रहा है, तो सा का गुणधर्म वापिस इसके समान होगा ना, तो ये 8वां स्वर आया वापिस, नी के बाद वापिस सा 8वां है और ये पहला। इसका मतलब 7 तत्व तक तो यहाँ हो गए हमारे, 7 यहाँ तक आ गए, ठीक है। फिर 8वां जो है वो वापिस सा आया, इसका मतलब पहला और 8 नंबर है, इनके गुणधर्म क्या है समान है, तभी तो सीध में आ गए ना वापिस सा 7, इनके गुणधर्म समान है। इसी प्रकार इसने बताया कि जो तत्व होते हैं वो 7 तक तो ऐसे लिखे जाएंगे सीधे, ठीक है, लाइन वाइज। फिर 8वां तत्व होगा वो 1 के वापिस नीचे आएगा, इसका मतलब जो 8वां तत्व है उसके गुणधर्म 1 और 8 यानी कि इन दोनों के गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। इसने किस प्रकार बताया, देखो इसने बोला कि लिथियम बेरिलियम बोरॉन लिथियम एलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फिर उसने बात बताया सोडियम। इसका मतलब इसने ये बोला कि एक ये 3 और 3 6 और 1 7 तत्व हो गए। अब जो 8वां तत्व है वो वापिस कहाँ आया है, इस फर्स्ट नंबर वाले के नीचे ही तो आया 8वां। तो इसने ये बोला था कि भाई जो जिस प्रकार सारे गम पदली में सा और सा वापिस 1 और 8 के नीचे वापिस सेम सेम आते हैं, उसी प्रकार लिथियम और सोडियम जो होंगे अब वापिस 1 और 8 जो है इनके जो गुणधर्म है, इनके जो गुणधर्म है वो क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये था कि जिस प्रकार सारे गम में नी के बाद वापिस सा आता है तो वो पहले के समान होता है, उसी प्रकार इसके अंदर भी एफ के बाद वापिस सोडियम आया है तो वो लिथियम और सोडियम के गुणधर्म क्या होंगे, समान। और इसने इस प्रकार तत्वों का एक बहुत मतलब निश्चित रूप प्रदान करने का कार्य किया। तो इसके नियम से जितनी भी आगे खोज हुई आवर्त सारणी में वो सारे इस नियम के बेस से हुई, इसने ही आधार बनाया तत्वों को व्यवस्थित करने का। तो देखो लिथियम के नीचे सोडियम दोनों के गुणधर्म क्या होंगे, समान। अब देखो वापिस आगे अगर मैग्नीशियम आएगा तो ये बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म समान हो जाएंगे। फिर देखो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आएगा तो इसके और इसके गुणधर्म समान हो जाएंगे। इस प्रकार इसने एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया तत्वों को, हम भी मानते बहुत अच्छा किया इसने।
लेकिन अब इसकी भी कुछ कमियां रह गई, पूरा तो ये भी नहीं कर पाया, एकदम 100% तो ये भी नहीं कर पाया, इसकी क्या कमियां रह गई उसके बारे में भी देखते हैं। चलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। इसकी कमियां क्या थी, इसकी कमियां ये थी कि भाई इसके टाइम हाइड्रोजन की खोज नहीं थी, हाइड्रोजन की खोज नहीं थी, तो ये हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया, स्थान फिक्स नहीं कर सका, ठीक है, फिक्स नहीं कर सका। वैसे हाइड्रोजन का स्थान तो फिक्स मेंडलीव भी नहीं कर पाया था कोई नहीं, ठीक है, एक ये इसकी कमी रह गई। अब दूसरी कमी थी इसके टाइम अक्रिय खोज की, जो जो नोबल गैसें हैं 18वें वर्ग में उसकी खोज भी नहीं हुई थी, अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई, अक्रिय गैसों में खोज नहीं हुई, तो अब क्या और सारे में अक्रिय गैसों को कोई स्तर ही नहीं दे पाया, उसको पता ही नहीं था अक्रिय गैस भी एक होती है, फ्लोरीन के बाद इसने सीधा सोडियम लिया, जबकि इसको नहीं पता था कि आगे एक नियोन नाम का प्राणी भी बैठा है, लेकिन क्या था अक्रिय गैसों की खोज ही नहीं हुई थी, तो उसको क्या पता नियोन है और कौन है, कौन है, तो इसके क्या था भाई अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी इसलिए इसकी कमी रह गई, भाई सार नहीं बढ़ा पाया अच्छे से। लेकिन अब इसकी कमी ये थी कि जो इसका ये नियम था आठ तत्वों के, भाई आठवां तत्व एक पहले तत्व के समान गुणधर्म रखेगा सारे गामा पद निशा के अनुसार, तो इसका जो ये नियम था वो ओनली फॉर कैल्शियम तक ही लागू हुआ, ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी, कैल्शियम तक लागू हो सका, ठीक है, मतलब कि इसने जो बताया आपने नियम वो कैल्शियम तक ही लागू हुआ, इसके आगे इसके जो आगे तत्व थे इसके आगे के तत्वों के बारे में नहीं बता पाया, तो इसका मतलब जो ये न्यूलैंड था इसने अपना अष्टक नियम दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या किया ये कैल्शियम तक इसने अपना अष्टक नियम दे पाया, कैल्शियम तक ही लागू हो सका इसका अष्टक नियम, इसके आगे के तत्वों के बारे में ये कुछ व्याख्या नहीं कर पाया, आगे के तत्वों के बारे में ये कुछ नहीं बता पाया, ओनली फॉर कैल्शियम तक ही इसका नियम लागू हुआ। तो फिर इसका नियम तो बहुत अच्छा था, आगे वालों को हेल्प मिली इसके नियम के बेस से ही, उन्होंने वापस तत्वों को क्रमबद्ध करने की ट्राई की, लेकिन इसने दिया सबको क्या दिया आधार दे दिया एक तत्व को व्यवस्थित करने का, लेकिन खुद पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं कर पाया, ओनली फॉर कैल्शियम तक ही इसका नियम लागू हो पाया, अक्रिय गैसों की खोज हुई नहीं थी तो उसका भी स्थान इफेक्ट नहीं कर पाया, तो कुल मिला के इसका नियम भी क्या हो गया फेल हो गया, फेल मतलब बोल सकते हो पूरा नहीं कर पाया, 100% सक्सेस नहीं मिली इसको, इसलिए मैं फेल बोल रहा हूँ, बाकी ये बहुत अच्छा था मानते हम भी कि इसने बेस प्रदान किया सबको। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया लोथलमेयर का वक्र, लोथलमेयर का वक्र क्या होता है अब उसके बारे में देखते हैं, ये आप सब नोट कर लीजिए फटाफट।